हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे अलग और यूनिक तरीके से बताया जाता है और आपको लगातार इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए जानते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगा जिसका यूज करके आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने टाइमलाइन पे वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। आप जिस वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं, आप उस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मैं इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो वीडियो है इसमें अभी कोई ब्लर इफेक्ट नहीं किया हुआ है। तो अब हम लोग इस पे इफेक्ट्स का यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग इफेक्ट्स टैब में जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेंगे स्क्वायर ब्लर। यहाँ से आप इस इफेक्ट को अपने वीडियो पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप जितना इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम लोग इसे 5 पे रख लेते हैं क्योंकि 5 पे ये अच्छी तरह से काम करता है। और आप यहाँ से इसके ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से वही वीडियो को अपने टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और इस पे हम लोग इफेक्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग इफेक्ट्स टैब में जाते हैं और इफेक्ट्स टैब में जाने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड में वीडियो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आएंगे। इसमें आपको एआई पोर्ट्रेट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ह्यूमन सेगमेंटेशन इफेक्ट को अपने दूसरे वाले वीडियो पे अप्लाई कर देंगे। इस पे अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और आप यहां से अपने इफेक्ट्स का थिकनेस बढ़ा सकते हैं और यहां से एज के फेदर को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग अपने वीडियो को रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करने के बाद आप अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। आपके वीडियो का बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। ये हम लोग का फर्स्ट मेथड था। आप यहाँ से देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करने के लिए जानते हैं। तो सिंपली हम लोग इस वाले वीडियो को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग फिर से उसी वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप सिंपली अपने राइट साइड में एआई टूल्स में जाएंगे। इसमें आने के बाद आपको स्मार्ट कटआउट का एक टूल मिलेगा, इसे आप ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप यहाँ स्मार्ट कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट, यहाँ से अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से तो हम लोग अपने सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग स्मार्ट कटआउट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यदि आप चाहते हैं इस थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए तो आप यहां से इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम लोग इसे नॉर्मल रहने देते हैं। यहां से आप इसके एज फेदर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप अपने वीडियो को रेंडर कर लीजिएगा। रेंडर करने से आपका वीडियो अच्छी तरह से प्ले होता है। रेंडर होने के बाद हम लोग अपने वीडियो को प्ले करके देख लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा वीडियो का बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। ये थे हमारे सेकेंड मेथड। आपको मैंने दोनों मेथड का यूज करने के लिए बता दिया है। आप जिस मेथड का यूज करना चाहते हैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।